आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। फेसबुक पर अश्लील कमेंट करने वाले को एसडीएम ने भेजा जेल। बड़वानी में कुछ दिन पूर्व एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा मतदान के लिए आम जनता को प्रेरित करने के संबंध में एक पोस्ट फेसबुक पर डाली गई थी, जो किसी व्यक्ति द्वारा इस पोस्ट पर अश्लील कमेंट की थी, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की शिकायत को टीआई राजेश यादव ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए अपनी टीम के आरक्षक शैलेंद्र संदेश जगजोत एवं प्रधान आरक्षक विक्रम को जांच के लिए नियुक्त किया, जो जांच के दौरान पता पड़ा कि उक्त पोस्ट नीलेश चंपालाल बलाय उम्र 26 वर्ष निवासी उनके द्वारा डाली गई है, जो टीम के द्वारा उसको शक के आधार पर पुलिस कस्टडी में ले कर पूछताछ की गई, जो प्रारंभ में इनकार करता रहा, लेकिन जब उससे तकनीकी रूप से पूछताछ की गई तो उसने अश्लील पोस्ट डालना स्वीकार किया। जो टीआई 2 राजेश यादव ने उस पर कार्रवाई करते हुए उसको तत्काल धारा 151 107 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर एसडीएम के समक्ष पेश किया, जो एसडीएम जानकी यादव ने उसे जेल भेज दिया। मेरा नाम चंद्रलता सोलंकी, उप स्वास्थ्य केंद्र नानी बड़वानी, सीएससी सिलावट। क्या घटना हुई है मैडम आपके साथ? मैंने मतदान के ऊपर एक गाना खुद ने गाया है और उसका एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो की कुछ फ़ोटो मैंने फेसबुक पर अपलोड की थी, तो उसने नीलेश निमा खरगोन करके है, उसने मेरी उस फोटो के नीचे जो मतदान जागरूकता के लिए उसने बहुत गंदा सा कमेंट्स किया, और ऐसा गंदा कमेंट्स करके उसने भारत की सारी नारी जाति को अपमान किया है। तो मैंने उसके खिलाफ 15/4 को FIR दर्ज की थी, तो आज पुलिस उसको अरेस्ट करके ले आई है, और मैं चाहती हूँ कि उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फेसबुक पे अभद्र टिप्पणी को लेके पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? ये कुछ दिनों पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने लिखित शिकायत की थी कि उनके द्वारा जो है मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जनता को एक पोस्ट डाली गई थी फेसबुक पर। उस पोस्ट पर एक व्यक्ति के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी, जो शिकायत संज्ञान में लिया गया था, और हमारे द्वारा तकनीकी रूप से उसकी पूरी जांच की गई, और जांच जब की गई तो उसमें नीलेश पिता चंपालाल नीमा निवासी उन का नाम सामने आया। उसके आधार पर पुलिस ने उसको अपना कस्टडी में लेके जब उससे एक रोज अपनी से पूछताछ की, तो पहले तो वो गुमराह करता रहा, मना करता रहा, लेकिन जब पूरा उसको तकनीकी रूप से सारा प्रूफ बताया गया तो उसने घटना को करना स्वीकार किया। उस आधार पर तत्काल जो है उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, और 151 107 116 गिरफ्तार करके तत्काल एसडीएम साहब के यहाँ उसको फाइनल बाउंड आउट कराने के लिए पेश कर दिया, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, शांति बने।